राजस्थान पुलिस ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया है। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान पुलिस की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हालांकि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण विस्तृत कार्यक्रम नहीं किए गए, लेकिन जून के दूसरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। हालांकि आचार संहिता प्रभावी होने के कारण प्रदेश भर में सांकेतिक रूप से स्थापना दिवस मनाया गया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी यूआर साहू ने कहा, राजस्थान पुलिस ने अपनी 75 वर्षों की गौरवमयी यात्रा में कानून व्यवस्था, आपसी प्रेम और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया है। राजस्थान पुलिस को इस मुकाम तक पहुंचाने में एक से बढ़कर एक जांबाज अधिकारियों और जवानों की अहम भूमिका रही है। डीजीपी ने राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें पूरे पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हर प्रकार की चुनौतियों से लोहा लेते हुए अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समर्पित भाव से जन सेवा की मिसाल कायम की है। डीजीपी साहू ने प्रदेश वासियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश के पुलिस बेड़े में शामिल करीब 1,00,000 पुलिस कर्मी और अधिकारी आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य के मद्देनजर तत्परता से कार्य कर रहे हैं। डीजीपी ने आह्वान किया कि राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के खास मौके पर प्रदेश पुलिस बल के जवान और अधिकारी इस बात का संकल्प लें कि वे आने वाले समय में अधिक सजगता और सतर्कता से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। पुलिस मुख्यालय में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को पुलिस दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान एडीजी और आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।